सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू नर्ड गेम प्ले वीडियो। सर गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फ्यूचर फाइट, जो कि एक मार्वल एवेंजर्स टाइप की एक गेम है, जिसमें हमको सुपर हीरो बनकर एनिमीज को डिफीट कर नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना होता है। तो अगर बिना किसी तरीके इस गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस, यहाँ पे हमारा गेम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास तीन एवेंजर्स हैं। एक है कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और ब्लैक विडो। तो अगर सबसे पहले हमें यहाँ से आगे मिशन की तरफ जाना पड़ेगा। ओके यहाँ से नहीं, कैसे? ओके वहां से जाना है, यहाँ से फटाफट से चल लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं कि यहाँ पे एनिमीज आ गए हैं, पर अब हम इनको मारना पड़ेगा। तो अब मैं आयरन मैन बनकर इनके ऊपर लेजर से अटैक कर करके को 2 मिनट में हरा देता हूँ। है तो काफी टफ ये। ये तो बड़े और आ गए हैं, तो बड़े ये भी नहीं बचेंगे अब। आ जाओ, एक ये गया। ओके तो गाइस यहाँ पे तो मैंने सबको मार दिया है, अब मेरे को आगे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ओके यहाँ पे भी गाइस मॉन्स्टर आ चुके हैं। ओके हमारी हेल्थ भी थोड़ी बहुत जा रही है, ये सब ये। ओके तो हमें फटाफट से दूसरा सुपर हीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हेल्थ जो है वो बहुत कम है। लेकिन अभी के लिए यही ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। ओके तो लगता है बॉस टाइप किसी से हमें फाइट करनी पड़ेगी, कि यहाँ पे बॉस आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्लैक विडो बनकर इसको हराने की कोशिश करते हैं, जितना डैमेज हो सकता है उतना करते हैं। कैप्टन मरेगा बन के शील्ड से रुकना पड़ेगा ये। ओके अब आ जा। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पे इसको एकदम आसानी से हरा दिया है। अब गाइस मैं बिना किसी देरी के आगे जा सकता, लेकिन ये नहीं जाने देंगे, इनको पहले 2 सेकंड में हरा दिया। यहाँ पे कटर्स टाइप है कुछ, जो हमें आगे जाने से रोकेंगे, और ये जैसे ही रुकते हैं हमें उसके पास से चले जाना है। ये देखो ये रुक चल रहा है और ये रुक गया, और अब यहाँ से फटाफट से पार हो गया। ओके यहाँ पे भी और आ गए, ये भी नहीं बचेंगे। चलो एके ओके तो गाइस मैंने यहाँ पे सभी लोगों को हरा दिया। यहाँ पे फिर से वही सर स्टेप टाइप आ गया है, तो गाइस मुझे यहाँ से भी ऐसे, अरे लगता है उड़ के ढंग से नहीं हो पाएगा शायद, थोड़ा ढंग से ही ड्रैगन मरेगा। तो अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल कैप्टन अमेरिका ही बन जाता हूँ, क्योंकि पहले भी हमने कैप्टन अमेरिका बन के ट्राई किया था, अभी भी हमें यही बन के ट्राई करना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा डैमेज दे रहे यार। तो अब भी ओके तो अब टाइम है ये बैकवर्ड भी तो भेजने लग जाते हैं हमको, कि अब टाइम है फटाफट से। अरे कैसे जाऊं, अरे यार नहीं, ये बहुत डैमेज कर रहा है, और मेरी ऑलरेडी हेल्थ इतनी कम है, मैं क्या करूं। ये रुक के अरे यार। ओके हम ब्लैक विडो बन गए टाइम पे, तो यहाँ पे भी एनिमीज है, इनको भी हम 2 मिनट में आयरन मैन बनकर यहाँ पे इनको हरा देते हैं। कुछ ज्यादा ही आ गए। ओके तो नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, यहाँ पे मेरे को सामने से ही लोग दिख रहे हैं, और इनको भी हम मारना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ब्लैक विडो बची है अभी के लिए, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दोनों की हेल्थ यहाँ पे बुरी तरह से खत्म हो चुकी है। ब्लैक विडो बनकर ही इन सबको हराना होगा जैसे तैसे। ओके तो गाइस हमने यहाँ पे सबको, मैं कह नहीं रहा था हमने सबको हरा लिया, लेकिन यहाँ पे और वाओ। कोई बात नहीं गाइस, हम एक बार और ट्राई करेंगे।
शॉर्टकट ने उस पर टाइम स्क्वायर वाला करके देखते हैं। तो ये अभी के लिए हमारी ये है टीम, हम इसको ले सकते हैं। तो इसको हमने ले तो लिया है, तो इसको हम सेलेक्ट कैसे करें? से नहीं, ओके। तो अभी हम ऐसे ही चलते हैं, इसको बाद में देख लेंगे कैसे करना है सिलेक्ट वगैरह। तो हम आ चुके हैं एक टाइम स्क्वायर टाइप वाले लेवल में। तो यहाँ पे भी एनिमीज है, इनको भी हम 2 मिनट में हरा ही देंगे। कटोरी गाइस, यहाँ पे और एनिमीज आए जा रहे हैं क्या करके, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। हम यहाँ पे इनको 2 मिनट में हराते रहेंगे चाहे कितनी भी देर लगे। ओके, अब हमें यहाँ पे आयरन मैन बनना पड़ेगा क्योंकि कैप्टन अमेरिका की हेल्थ कम हो रही है। इनको हम फटाफट से लेजर से मारते रहते हैं ताकि इनकी हेल्थ जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ओके, तो अब रास्ता क्लियर है, अब हम जा सकते हैं अगली जगह पर। नेक्स्ट राउंड पे आ चुके हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे को दिख चुके हैं, तो इनको भी हम फटाफट से मारना स्टार्ट कर देते हैं। आयरन मैन की भी हेल्थ चली गई है और कैप्टन अमेरिका की भी ऑलमोस्ट गई ही है, तो बची है सिर्फ अब ब्लैक विडो। फिर से हमारे पास सिर्फ ब्लैक विडो ही बची है। कि हमारे पास एक वन फ्री कंटिन्यू था तो हम बच गए, वरना अभी हमें फिर से गेम रीस्टार्ट करनी पड़ती। यहाँ पे एक बॉस आ चुका है इनका, तो हम इस बॉस को भी मारते देते हैं। ओके, कैप्टन अमेरिका की हेल्थ चली गई है, अब हमें ब्लैक विडो बनना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो इसकी भी बहुत ज्यादा ही हेल्थ है, इसकी हेल्थ 33,000 है, सिर्फ 26,000 हुए हैं। तो बहुत ही बुरी तरह मार रहा है ये, टोर्नेडो टाइप अटैक्स कर रहे हैं हम पे। आयरन मैन की हेल्थ फुल्ली तरह से जा चुकी है और अब सिर्फ कैप्टन अमेरिका बचा है, और ये भी आई गेस बस हुई। कम ऑन, काफी ज्यादा ही अटैक कर रहा है। अरे मोन यार, मुझे लगा ही था कि ये मारेंगे, मेरे पास हेल्थ इतनी कम थी। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। हम इसको ऐसे भी नहीं ले सकते हैं रैंक अप वगैरह करके। ओके, तो हमने फाइनली इसको ले लिया है अब क्रूड को, कि अब हम आ गए हैं फिर से यहीं पे टाइम स्क्वायर टाइप जहाँ पे हम हमारी गेम स्टार्ट हुई थी। तो हम अब क्रूड बन के देखते हैं ये अटैक का फिट। ये तो शुरू होते ही जस्ट अभी इसको मैंने सेलेक्ट किया था और ये इतनी जल्दी, इसकी हेल्थ भी तो कम थी। ओके, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की वैसे भी 1000 है या 2000 ही है ऑलमोस्ट, लेकिन जो ये न्यू अवेंजर जिसका नाम अब क्रूड है, इसकी 200 ही है सिर्फ ऑलमोस्ट कहें तो। वह तो हमने सबको फाइनली मार दिया। अब हम फिर से उसी वाली जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे फिर से वहीं पे हमें इन सबको मारना पड़ेगा।
फिर से वन फ्री कंटिन्यू मिल चुका है, हम फिर से मारने लग जाते हैं इनको। ये कुछ सारा ही डैमेज कर रहे हैं हमको। ओ नो नो नो, आयरन मैन तो आयरन मैन की हेल्थ जा चुकी है, और ये आयरन मैन पता नहीं ये कैसे टिका हुआ है। 38 हेल्थ है इसकी ऑलमोस्ट बस। तब हम कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं। अब ग्रूड तो किसी काम का ही नहीं है, मुझे ब्लैक विडो ही ठीक थी उसकी जगह तो बिल्कुल। अब ग्रूड तो मतलब जैसे ही लिया वैसे ही खत्म हो गया, इतनी कम हेल्थ थी ना उसकी। ये तो फिर से बॉस लेवल आ चुका है, फिर से ट्राई करते हैं उसको हराने का। तो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, कम ऑन। फिर से हमारा मिशन जो है यहाँ पे फेल हो चुका है, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो मैं इस बार अपग्रूड को नहीं ब्लैक विडो को ही लेने वाला हूँ, क्योंकि अपग्रूड को मैंने लेके देख लिया है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हैं जिनको हम अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी हम ब्लैक विडो को ही ले सकते हैं और अपग्रूड को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा हम ब्लैक विडो वापस ले लेते हैं। तो फिर गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपके पास और कुछ आइडियाज हैं न्यू गेम्स के जो आप देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।